एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा, क्राइसलर रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम मिस्टीरियो। दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा वन ऑफ द मोस्ट लव फ्रेग्रेंस। बॉन स्ट्रीट परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इम्प्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। रात 12 बजे से दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी है झमाझम बारिश, जारी हुआ येलो अलर्ट। दो दिन शुष्क मौसम रहने के बाद शनिवार से दिल्ली एनसीआर की फिजा फिर से बदल गई है। शनिवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कहीं पर तेज तो कहीं पर मध्यम स्तर की बारिश हुई, जिसके बाद ठंड में भी इजाफा हुआ है। इस बीच कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने की भी खबरें सामने आने लगी हैं। पूर्व दिल्ली में मंडावली अंडरपास में पानी भरने के बीच वाहनों के गुजरने की तस्वीरें और वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ चुनिंदा इलाकों में रात 12 बजे से बारिश शुरू हुई, जो कि अभी भी जारी है। इस बीच जल भराव के चलते वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली में जारी वीकेंड कर्फ्यू के बीच जरूरी काम से निकले लोगों को जल भराव के चलते जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शनिवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे, तेज झोंकेदार हवा के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। इस दौरान दिन का तापमान गिरेगा और ठिठुरना भी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बारिश को मद्देनजर शनिवार को येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। यहाँ पर बता दें कि शनिवार सुबह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अभी दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी है। कोरोना पीड़ित अरविंद केजरीवाल की जगह पर उत्तराखंड चुनाव में मोर्चा संभालेंगे गोपाल राय। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी इस साल होने वाले उत्तर प्रदेश पंजाब समेत तकरीबन सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वे कोरोना पीड़ित हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए पर्यावरण मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय शनिवार से 5 दिनों के लिए उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जनसभाओं को संबोधित करेंगे एवं आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्यों में बदलाव की पैरोकारी करेंगे। साथ ही वे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं बूथ स्तरीय नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए आपकी तैयारी के सिलसिले में 8 से 13 जनवरी तक की वहां यात्रा पर रहेंगे। शेड्यूल के मुताबिक राय शनिवार को हल्द्वानी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कड़ी में 10 जनवरी को हल्द्वानी, 11 को सितारगंज, 12 को रुद्रपुर और 13 को रामनगर में उनका अपनी पार्टी द्वारा आयोजित नव परिवर्तन सभा में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड यात्रा के दौरान राय हल्द्वानी, लालकुआ, सितारगंज, खटीमा, किच्छा, रुद्रपुर, रामनगर और जसपुर में अपनी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तरीय बैठक करेंगे। राय ने अपनी इस यात्रा के संबंध में कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के लंबे समय के बाद अलग राज्य तो मिल गए, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने संघर्ष किया तथा कई बलिदान दिए वह अब तक हासिल नहीं हुआ है। कोरोना का कहर जारी, भारत में 21% बढ़े कोरोना केस पिछले 24 घंटे में 1,00,000 के पार। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यह बीते दिन के मुकाबले 21% अधिक है। एक दिन पहले कोरोना संक्रमण के 1,17,000 मामले सामने आए थे। देश में पिछले 11 दिन में कोरोना के दैनिक मामले 22% बढ़ गए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को दैनिक मामलों की संख्या से बेहतर समझा जा सकता है। 28 दिसंबर को कोरोना के 6,358 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। कोरोना के चलते बीते 24 घंटे के दौरान देश में 285 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो यह पिछले 24 घंटे के दौरान 40,000 दर्ज की गई है, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,44,12,740 हो गई है। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट में भी काफी इजाफा हुआ है और यह 9.28% तक पहुंच गई है। वही वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.66% पहुंच गई है। देश में 24 घंटे के दौरान 9,50,000 से अधिक वैक्सीन की डोज भी लग गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये स्टेट बना आयोग के लिए चुनौती, जाने क्या है वजह।
अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर आयोग जल्द ही तारीखों की घोषणा भी कर सकता है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग के लिए इन पांच में से एक राज्य चुनौती बन गया है। दरअसल मणिपुर में अब तक मात्र 45% से कुछ ज्यादा लोगों को कोरोना के दोनों डोज लग पाए हैं, जबकि मात्र 57% लोगों को पहला डोज लगा है। ऐसे में संक्रमण के खतरे की आशंका और बढ़ रही है, जो आयोग के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। पहले से ही कोविड संक्रमण की मार झेल रहे पूर्वातर के इस राज्य में ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार भी काफी तेज है। कोरोना की गति से मुकाबला करने के लिए न सिर्फ टीकाकरण की गति तेज करनी होगी, बल्कि युद्ध स्तर पर तैयारी भी करनी होगी। संभावना है कि फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में वहां विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि टीकाकरण की रफ्तार कम नहीं, बल्कि आबादी को लेकर जमीनी हकीकत और आंकड़ों में काफी अंतर है। असल आबादी कम है, जबकि कागजों और अन्य वजह से यह ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा नगा जनजातियों की बहुलता वाले जिलों में टीकाकरण बेहद कम हुआ है। अपनी पारंपरिक मान्यताओं की वजह से भी वो आधुनिक इलाज, टीका आदि लेने के प्रति उत्साहित नहीं है। उनमें जागरूकता का भी अभाव और पुरातन मान्यताओं का प्रभाव है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाटे ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का बड़ा आरोप लगाया कि लगातार मोदी सरकार में एक ना एक वाक्य ऐसा होता जा रहा है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्षीण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चाहे वो स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही का मामला हो, जो निडर होकर अपनी काम करते हैं, फर्जी केसेस हो, देशद्रोह के आरोप हो, या जो पेगासस के माध्यम से पता चला कि किस तरह से आम जनता की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे लोगों की, निर्वाचित सदस्यों की, जजेस की, उनसे संबंधित लोगों की, चुनाव आयोग आयुक्त के लोगों की किस तरह से जासूसी करी जा रही थी, वो एक मामला हो जो कि लोकतंत्र को किसी भी तरह से शीर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, या जो वायर एजेंसी के माध्यम से एक रिपोर्ट सामने कल आई जिसमें बताया गया कि कैसे टेक फॉग नामक ऐप से दुष्प्रचार किया जा रहा है, हेट स्पीच फैलाई जा रही है। वो थोड़ी टेक्निकल है और मैं उसको थोड़ा सा सामान्य करके आपके व्यूअर्स के लिए, आपके पाठकों के लिए जरूर बताना चाहूंगी। जो भी अब मैं कोट करूंगी वो वायर न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के माध्यम से कर रही हूं। वायर ने कल एक सनसनीखेज खुलासा किया कि टेक फॉग, टेक फॉग नामक एक ऐप है जिससे कि भाजपा की आईटी सेल, उससे संबंधित लोग, भाजपा के नेता, उनका युवा मोर्चा और तमाम भाजपा के शीर्ष नेता मिलकर दुष्प्रचार, झूठ तो फैलाते ही हैं, साथ ही साथ वो लोगों को टारगेट करने का, हेट स्पीच का भी काम करते हैं। और विशेषतः ये हेट स्पीच या तो समुदाय विशेष के खिलाफ होती है या महिलाओं के खिलाफ है, और इसमें सबसे ज्यादा उनके रेडार पर महिला जर्नलिस्ट, महिला पत्रकार आते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर NSUI ने दिया ज्ञापन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते लगातार संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। इसी के चलते मंदसौर में NSUI छात्र संगठन ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, फिर प्रचार को ज्ञापन सौंपा। NSUI की मांग है कि नियमित परीक्षाओं को स्थगित किया जाकर ऑनलाइन ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा ली जाए, जिससे कोरोना के प्रसार को रोकने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। जी अभी आप सब देख रहे हैं कि कोरोना मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो विक्रम विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं पूर्व में जब कोरोना हुआ तब ऑफलाइन हुई थी, घर बैठे हुई थी, ओपन बुक प्रणाली से हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षाओं का जो टाइम टेबल जारी किया जा रहा है वो कॉलेज महाविद्यालय में किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं छात्रों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम प्रदर्शन के माध्यम से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं उसको स्थगित किया जाए, या उनको ओपन बुक प्रणाली से लिया जाए, या ऑनलाइन लिया जाए, किसी भी ऐसे माध्यम से लिया जाए जहाँ छात्र एक जगह इकट्ठा ना हो, वो घर बैठे एग्जाम दे सके, या उसमें कोरोना संक्रमण से उनका बचाव हो सके, इस आधार पर परीक्षा हो, इसको मांग को लेकर हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अगर हम चेतावनी देते हम
कि अगर विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा ये परीक्षा अगर ऑफलाइन या ओपन बुक प्रणाली से नहीं की गई तो NHAI द्वारा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है वह छात्र हित उद्देश्य है, छात्रों के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है और NHAI शुरू से छात्रों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। श्रीत पांडे, NHAI जिला महासचिव। क्या मांगों को लेकर आप लोगों ने जो है प्रदर्शन किया है, क्या आप लोगों को मांग किया जी? विगत वर्षों भी कोरोना के प्रभाव से कई छात्र जो है परीक्षा और पढ़ाई से वंचित रह गए थे। ऑनलाइन क्लासेस लगी थी लेकिन उससे भी बहुत सारे छात्र वंचित रह गए थे। इस साल भी कोरोना के हम देख रहे हैं कि तीसरी लहर आने की आशंका और कई जगह केसेस आ चुके हैं, तो NHAI द्वारा ये मांग की गई है कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए या फिर ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से परीक्षाएं कराई जाए। इस मांग को लेकर आज NHAI द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया गया है, प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया गया। क्या मांग को लेकर आपने ज्ञापन दिया? आज NHAI मंसूर द्वारा कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आज हमने ओपन बुक प्रणाली से मांग कराने को लेकर आज हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है। अंत में हमारी मांगे पिछले वर्ष आप सभी को पता है कि पिछले दो वर्षों से लगातार कोरोना के प्रभाव को बढ़ते हुए विक्रम विश्वविद्यालय समस्त विश्वविद्यालय ने ओपन बुक प्रणाली से मांग कराने की लेकर एग्जाम कराई थी। इसी को अंत में इस वर्ष भी हम मांग करते हैं कि ओपन बुक से परीक्षाएं कराई जाए। अंत में हमारी यही मांग है और अंत में हमारे मांगे नहीं मानी जाती तो हम पूरे मध्य प्रदेश के समस्त छात्र छात्र उपस्थित होकर एक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं। आपका नाम? हरीश पाटीदार हनुमंती, दलोदा ब्लॉक अध्यक्ष। यदि नियमित परीक्षाओं का आयोजन होता है तो इससे अलग अलग गांव और शहरों से विद्यार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहेगा। आज जो ज्ञापन दिया गया है NHAI द्वारा, क्या मांग है और किस मांग को लेकर दिया? छात्र संघ NHAI द्वारा आज महाविद्यालय में आकर ज्ञापन सौंपा गया है। छात्र संघ की मांग है कि जो COVID-19 है उसके तहत नया ओमिक्रॉन वायरस आ गया है और ओमिक्रॉन वायरस से बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है प्रताड़ित भी हैं और बीमार भी हो रहे हैं, तो उसके जो गाइडलाइन है कि डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगाएं, वो सारी गाइडलाइन महाविद्यालय में बच्चे अगर एक साथ सभी आएंगे तो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उनकी मांग है कि परीक्षाएं होंगी, सब साथ बैठेंगे तो जो ओमिक्रॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए महाविद्यालय में, सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाए, तो हमने ज्ञापन ले लिया है और आज ही विश्वविद्यालय को हम प्रेषित कर देंगे। विद्यार्थियों की मांग को हमारे रजिस्ट्रार कुल सचिव विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन तक पहुंचा देंगे। योगी ने एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर किया तीखा वार। लोग कहते थे कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी, तब मैं कहता था मच्छर भी नहीं भरेगा, क्यों फालतू तो बात करते हो। एक बार फैसला होने दो, अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ने दो, प्रदेश में राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये राम राज्य वही है, हर गरीब को बिना भेदभाव के मकान मिल जाना, 45 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है, 45 लाख गरीबों को 1947 से लेकर के 2017 तक अगर हम जोड़ दें तो 45 लाख लोगों को 70 वर्षों में नहीं मिला था जितना हमने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गरीबों को आवास दिए थे। 70 वर्षों में जितने लोगों को सरकार की ओर से शौचालय नहीं मिले थे, उतने लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शौचालय निर्माण करके उतने गरीबों के घर में शौचालय दिए हैं। 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में जितने लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिले थे, उससे ज्यादा लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। जितने लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिले थे, उतने लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए हैं। और 70 वर्षों में जितना विकास उत्तर प्रदेश और अयोध्या में नहीं हुआ था, 5 वर्ष में उतना विकास उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश के अंदर और अयोध्या के अंदर भी हुआ है। बदलती हुई अयोध्या, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब के रूप सामने एक संदेश दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सलामती के लिए देश भर में दूसरे दिन भी दुआओं का दौर जारी, इन नेताओं ने की प्रार्थना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सभी लोग इस पूरे मामले से आशंकित हैं। पीएम मोदी की दीर्घ आयु और सलामती को लेकर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमने हाजी अली दरगाह पर पीएम मोदी की सलामती के लिए दुआ की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस का बगैर नाम लिए कहा कि परिवार तंत्र आपराधिक साजिश के जरिए लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, न कि आपराधिक लापरवाही से। बेचारा चनी वही कर रहा है जो उसे मास्टरमाइंड द्वारा कहा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में हवन किया। दिल्ली के भाजपा सांसदों ने राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में मौन धरना दिया। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने आज कहा कि यह जो घटना प्रधानमंत्री के साथ हुई है, ये संजोग नहीं था, ये उनकी हत्या की साजिश थी। पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है। यह घटना देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं, पूरे देश के साथ घटी है, और जिसने खुद साजिश की हो वो क्या जांच करेंगे। इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पीएम मोदी की दीर्घ आयु को लेकर महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी की सुरक्षा और उनके दीर्घ आयु को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। गुरुवार शाम काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने कहा कि पंजाब में जो गैर लोकतांत्रिक और अश्वैधानिक कृत्य देखने को मिला है, उसके लिए कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। देश इस प्रकार की अलोकतांत्रिक और अश्वैधानिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। अब पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मोदी सरकार पर सुरक्षा में हुई चूक को लेकर किया बड़ा हमला। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कहके कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce and I say categorically। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से लगा 55 घंटे का कर्फ्यू सोमवार सुबह तक रहेगा लागू। ट्रेन या प्लेन यात्रियों को दिखाने होंगे ये दस्तावेज। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए पर्याप्त इंतजाम का दावा भी किया है। शुक्रवार को अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अगर कोई रेल या फिर विमान से यात्रा करने जा रहा है तो उसके पास यात्रा का टिकट होना आवश्यक है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में भी कर्फ्यू को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है। लोगों की आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए इसी सप्ताह मंगलवार को दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू की घोषणा की थी। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। तब तक ले धन्यवाद। छोटा ही सही।
सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नई टेक्निक्स और डिजाइंस का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइंस, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।